नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक ड्रॉइड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने किसी भी मोबाइल को, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे अपडेट कर सकते हैं नए एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड 10 में, या फिर कहिए एंड्रॉयड क्यू में कैसे अपडेट करेंगे। तो प्रोसेस को आप देखते रहिएगा, चाहे आप कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कितना भी पुराना हो। हाँ, बस वो 4-5 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन 6.0 वर्जन या लॉलीपॉप में भी है तो आप उसे नए वर्जन में अपग्रेड कर पाओगे। वैसे आप जो भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम जो है ज़रूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे आसानी हो लिंक देने में। वैसे मैं डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इससे भी खतरनाक वीडियो, यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी। और इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल पाए और वो भी बिल्कुल फ्री में जान पाएंगे कैसे किसी फ़ोन को अपडेट करना है नए वर्जन में। नीचे कमेंट भी कर दें, मोबाइल अपडेट ट्रिक जरूर कमेंट कर दें। तो यार, सबसे पहले मोबाइल को अपडेट करने के लिए आपको, जैसे कि ये मेरा फ़ोन है, मैंने इसमें रिकवरी को इंस्टॉल किया, तो ये रिकवरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन में रिकवरी को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे अभी मैंने अपने फ़ोन को रिकवरी में बूट किया। रिकवरी ओपन करने के लिए, रिकवरी बूट करना मतलब रिकवरी को ओपन करना, ओपन करने के लिए बस वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखें, पावर बटन को दबाए रखें। जैसे पहला वाइब्रेट होगा, पावर बटन को छोड़ दें, वॉल्यूम बटन को दबाए रखें और आपका रिकवरी खुल जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर काम आप बैकअप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अपना ये बैकअप जो है मेमोरी कार्ड में करें। तो इससे होगा क्या, अगर आप पुराने वाले सिस्टम में जाना चाहें तो आसानी तरीके से आप जा सकते हो। तो मैंने ये बैकअप वगैरह नहीं करना है। तो ये सब काम आप करें तो बैटरी जो है ध्यान रखें कि 60% के ऊपर हो, और बैकअप वगैरह आप कॉन्टैक्ट फ़ोटो जो है अपने मेमोरी कार्ड में मूव कर लें। तो देखिए, सबसे पहला काम मैं वाइप कर रहा हूँ, बैकअप के बाद वाइप। तो वाइप में इंटरनल डेटा, कैश डेटा, ये सब मैंने सिलेक्ट कर दिया, इंटरनल स्टोरेज मैंने सिलेक्ट नहीं किया। तो ये कर देने के बाद ये वाइप हो गया, और वाइप होने के बाद आपको बैक करना है, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद जो अपडेट फाइल है उसे सिलेक्ट करना है स्टोरेज से। तो ये देखिए, मैंने यहीं पर फोल्डर बना के रखा था, तो उसे मैं सिलेक्ट करके मैं इंस्टॉल कर दूंगा। तो ये जो अपडेट फाइल जिसे कि मैंने अभी सिलेक्ट करके इंस्टॉल किया, वो आप जो भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसके बारे में हमें कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपके फ़ोन के लिए मैं अपडेट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे पाऊँ अच्छे से। वैसे और भी फ़ोन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये इंस्टॉल कर देने के बाद, ये काफ़ी इजी है इंस्टॉल करना, आप गूगल भी कर सकते हो ये अपडेट फाइल डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद ये मैं दूसरा फाइल इंस्टॉल कर रहा हूँ जिसे कि कहते हैं गैप्स। इसमें जो गूगल प्ले ऐप, गूगल प्ले सर्विस वगैरह, ये सब ऐप जो इसमें इंक्लूडेड रहता है, तो ये गूगल प्ले स्टोर वगैरह सब इसी में इंस्टॉल होगा, ये ओपन गैप्स इंस्टॉल करने के बाद। तो ये देखिए, ये भी मैंने इंस्टॉल मैंने कर दिया। आसानी से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो मैंने बस 4-5 स्टेप्स को मैंने फॉलो किया, अपडेट फाइल इंस्टॉल किया, गैप्स इंस्टॉल किया, बस रिबूट हमने किया और ये काम हो गया। तो अभी देखिए इंस्टॉल ही हो रहा है, तो बहुत ही इजी ट्रिक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर आप अच्छे से देखोगे तो। और ये देखिए अभी तक अपडेट हो रहा है। तो इस मेथड से फॉलो करके आप अपने फ़ोन को एंड्रॉयड 10 में अपडेट कर सकते हो। सेम जैसे कि देखिए, मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ अपने फ़ोन को नए वर्जन में एंड्रॉयड 10 में। तो सबसे पहले अब रिबूट पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए डू नॉट इंस्टॉल मैंने किया वो रिबूट करके। तो इस तरीके से अब आपका फ़ोन जो है थोड़ा बूट लेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में, क्योंकि यार फ़ोन जो है फर्स्ट बार बूट होके ऑन हुआ। तो मैंने फास्ट कर दिया वीडियो को, और ये देखिए अब हमारा फ़ोन जो है कंप्लीट अपडेट हो चुका है और नए लुक के साथ हमें मिल रहा है देखने के लिए। तो आप भी अपने फ़ोन को नए वर्जन में अपडेट कर सकते हो, एंड्रॉयड क्यू के किसी भी वर्जन में बहुत सारे अपडेट फाइल अवेलेबल होते हैं।
तो आप अपने फ़ोन के लिए अपडेट फाइल के लिए आप गूगल में भी कर सकते हो, या तो आप नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। और बहुत सारे फ़ोन्स के लिए जो है अपडेट फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी चेक कर लीजिएगा। देखिए, मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, मैंने जो है बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो बनाने का कोशिश की आपको समझाने के लिए, तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाए, और वो भी जान पाएंगे कि कैसे 4-5 स्टेप्स फॉलो करके किसी फ़ोन को अपडेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और शेयर कर दीजिएगा। वैसे मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।